नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। आज हम दूसरा लेसन प्लान स्पष्टीकरण कौशल के विषय में पढ़ेंगे। वो एक इसके पहले वाले लेक्चर में हमने जो है प्रस्तावना कौशल के विषय में पढ़ा। आज हम दूसरा लेसन प्लान लेकर आए हैं, माइक्रो लेसन प्लान है स्पष्टीकरण कौशल। उसमें सेम अपना नाम, रोल नंबर, लेसन प्लान का नंबर, मेथड लेसन का नंबर, और जिस कक्षा को आप पढ़ा रहे हैं, मैंने सेवेंथ का ज्योग्राफी लिया है और यूनिट का नाम है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। और विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान इसमें क्या है, प्रीवियस नॉलेज ऑफ द प्यूपिल्स, छात्र सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के विषय में जानता है। और स्टेटमेंट ऑफ एम क्या होगा, SOA, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम कहेंगे, आज हम सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहीं पर पहुंचने के लिए इसके पहले वाला जो लेसन प्लान है, यहीं तक स्टेटमेंट ऑफ एम तक पहुंच गया था। पिछला वाला जो लेसन प्लान था वो समझदारी जो हिंदी का था। आज मैंने भूगोल का लेसन प्लान लिया है स्पष्टीकरण कौशल को समझाने के लिए। ये ब्लैक बोर्ड वर्क हो गया। डेट हमें डाल देनी है, यहाँ पे डेट डाल देंगे। स्टैंडर्ड है सेवेंथ, विषय भूगोल, प्रकरण ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है। जब आप इंट्रोडक्शन कौशल कर लेंगे, प्रस्तावना कौशल होने के बाद आप इस चीज़ को लिख देंगे, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। फिर उसके बाद आप ये ब्लैक बोर्ड राइटिंग है। भूगोल में क्या होता है दोस्तों कि थोड़ा चित्र वगैरह भी बनाने पड़ते हैं, कुछ ज़रूरी होता है तो हमें लिख के भी बताना पड़ता है। अब आइए स्पष्टीकरण कौशल पे। इसमें जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स मेन होते हैं दोस्तों। इस पॉइंट्स को आपको अच्छी तरीके से नोट कर लेना है और इसी तरीके से इस पॉइंट के आधार पे आपका लेसन प्लान बनता है। तो दोस्तों माइक्रो लेसन प्लान का जो ये पॉइंट्स है स्पष्टीकरण कौशल का, उसे मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। आरंभिक कथन, दूसरा है धारा प्रवाह, तीसरा है क्रमबद्धता, चौथा है कड़ियाँ, पांचवा है आत्मविश्वास, छठवां है स्पष्टता, सातवां है भाषा, आठवां है निष्कर्ष विधान और नौवां है मूल्य मापन प्रश्न। सेम यही पॉइंट हमें पिछले पेपर पे लिखना है। अब जो कंपोनेंट स्किल्स हैं, घटक कौशल, वही पॉइंट्स यहाँ पर लिख देना है आपको। और यहाँ पर टॉपिक का नाम लिखेंगे, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, स्किल कौशल, स्पष्टीकरण कौशल, सिक्वेंशियल एक्टिविटीज़। अब जो लर्निंग एक्सपीरियंस, टीचर बिहेवियर, वो लास्ट वाले इसमें आता है। और ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिकेशन बीच वाले कॉलम में आएगा। टीचिंग एड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो टीचिंग एड का यहाँ पे लिखना है, और संदर्भ आप दे रहे हैं किसी किताब वगैरह का यूज़ कर रहे हैं तो वो यहाँ पे लिखना है। तो दोस्तों छात्र एक्टिविटीज़ में क्या आएगा, आपने ये पॉइंट्स लिख लिए, आरंभिक कथन, धारा प्रवाह, क्रमबद्धता, कड़ियाँ, आत्मविश्वास, स्पष्टता, भाषा, निष्कर्ष विधान, मूल्यमापन प्रश्न। ये आपके कंपोनेंट स्किल्स हो गए, घटक कौशल। अब जो है छात्र अध्यापक स्पष्टीकरण करता है, ये जो स्पष्टीकरण कौशल है उसे जो है करके दिखाया गया है। तो छात्र अध्यापक क्या कहता है कि पृथ्वी के उपग्रह का क्या नाम है, बच्चों से वो पूछता है। तो छात्र कहेंगे चंद्रमा, आरंभिक कथन हो गया ये। अच्छा, अब हम चंद्रमा के गतियों के बारे में पढ़ेंगे, ये मतलब पढ़ना स्टार्ट हो जाता है। पढ़ते समय वो क्या बताएंगे कि प्रतिदिन चंद्रमा के बदलते जाने वाले प्रकाशित भाग को चंद्रकला कहते हैं। जो चंद्रमा अपना स्वरूप रोज बदलता है उसे चंद्रकला कहते हैं, प्रकाशित भाग को। अमावस्या के बाद पूर्णिमा तक चंद्रमा का प्रकाशित भाग बढ़ता जाता है, इस समयावधि को शुक्ल पक्ष कहते हैं। क्लियरबद्ध क्रमबद्धता से बता रहे हैं, पहले चंद्रमा चंद्रकला के विषय में बताया, चंद्रमा के विषय में पूछा, तो क्रमबद्धता हो गई है कि उसमें जो प्रकाशित भाग होता है उसे चंद्रकला कहते हैं। अच्छा,
जो अमावस्या के बाद जब पूर्णिमा तक चंद्रमा चंद्रकला होती है उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। इसके विपरीत पूर्णिमा के बाद जब अमावस्या तक हमें दिखाई देने वाला चंद्रमा का प्रकाशित भाग कम होता जाता है, इस समयावधि को कृष्ण पक्ष कहते हैं। ये दोनों समयावधियाँ 15 दिनों की होती है, इन्हें पाक्षिक पखवाड़ा कहते हैं। और लास्ट में हम 2 प्रश्न बच्चों से पूछेंगे कि चंद्रकला किसे कहते हैं और दूसरा प्रश्न है शुक्ल पक्ष किसे कहेंगे। तो दोस्तों आज हमने स्पष्टीकरण कौशल का ये दूसरा लेसन प्लान के विषय में जाना। दोस्तों ये अगला हम लेसन प्लान लेंगे उदाहरण कौशल का। सेम पैटर्न है, छात्र अध्यापक का नाम लिखना है, रोल नंबर, लेसन प्लान, मेथड नंबर। इसमें मैंने 7th का भूगोल लिया है, सेम यूनिट लिया है सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा, और पूर्व ज्ञान इसमें होगा। छात्र सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के विषय में जानता है, और स्टेटमेंट ऑफ एम हम जब प्रस्तावना कौशल करके आएंगे स्टेटमेंट ऑफ एम, तो आज हम चंद्रमा के विषय में पढ़ेंगे। और विषय हमने भूगोल लिख दिया, डेट लिख दिया, स्टैंडर्ड लिख दिया, पाठ का नाम लिख दिया, प्रस्तावना कौशल हो गया। अब उदाहरण कौशल के विषय में पढ़ेंगे। ये ब्लैक बोर्ड का वर्क हो गया दोस्तों। तो उदाहरण कौशल के जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स मेन है दोस्तों, इस पॉइंट्स को अच्छी तरीके से आप नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट है सरल उदाहरण देना, संबंधित उदाहरण देना, रोचक उदाहरण देना, उचित माध्यम का प्रयोग करना, ज्ञान से अज्ञान की ओर जाने का मार्ग उपयोग करना। 7वां है नियम आने से पहले उदाहरण देना। अगर कोई नियम आ रहा है तो उसके पहले छात्र को जो है टीचर होता है उसे जो है एग्जांपल्स देने होते हैं। और 7वां है पर्याप्त उदाहरण बच्चों से लेना। आप नियम आने के बाद उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण नियम के पहले उदाहरण दें, नियम बताएं, फिर छात्रों से उसका उदाहरण लें। अब इसे हम कैसे करेंगे उसके विषय में हम देखते हैं। टॉपिक सेम डाल दीजिए, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा उदाहरण कौशल। 8 पॉइंट लिख लीजिए यहाँ। उसके बाद सीक्वेंसेस एक्टिविटीज़। अब छात्र अध्यापक क्या करेगा इसमें, उदाहरण में, उदाहरण कौशल में छात्र अध्यापक उदाहरण देकर पाठ को पढ़ाता है। अध्यापक क्या करेगा कि आकाश में आप सूर्य को देखते हैं, आकाश में आप सूर्य को देखते हैं। प्रश्न इसमें बनाया गया है, प्रश्न 1, सूर्य क्या है। अध्यापक छात्रों से कहता है कि आकाश में आप सूर्य को देखते हैं, सूर्य क्या है। तो छात्र कहते हैं तारा। प्रश्न 2, सूर्य के चारों ओर क्या घूमते हैं। तो बच्चे कहेंगे ग्रह। प्रश्न 3, कुल कितने ग्रह हैं। बच्चे कहेंगे 9। प्रश्न 4, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है। बुध। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। गुरु। हम किस ग्रह पर रहते हैं। पृथ्वी। क्वेश्चन 7 बनता है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है। चंद्रमा। आज हम चंद्रमा के विषय में अध्ययन करेंगे। तो ये क्वेश्चन आंसर के द्वारा हम स्टेटमेंट ऑफ एम पे पहुँच गए। अब चंद्रमा के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, उदाहरणों के द्वारा हमने क्वेश्चंस आंसर के द्वारा सरल से जो है सरल उदाहरण देना, संबंधित उदाहरण देना, रोचक उदाहरण देना, उचित माध्यम का प्रयोग किया हमने, ज्ञान से अज्ञान की ओर जा रहे हैं, और नियम आने से पहले पर्याप्त उदाहरण देना है। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि आज हम चंद्रमा के विषय में अध्ययन करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ एम हो गया। अब प्रतिदिन चंद्रमा के बदलते जाने वाले प्रकाशित भाग को चंद्रकला कहते हैं। जिस रात में पृथ्वी के सामने चंद्रमा का संपूर्ण भाग प्रकाशमान दिखाई देता है उस रात को पूर्णिमा कहते हैं। जिस रात में चंद्रमा का प्रकाशित भाग हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता उस रात को अमावस्या कहते हैं। प्रश्न 2 प्रश्न भी बन जाते हैं कि पूर्णिमा किसे कहते हैं और अमावस्या किसे कहते हैं। इस तरीके से दोस्तों उदाहरण कौशल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ये माइक्रो लेसन प्लान का ये एक भाग है। दोस्तों
एक और उदाहरण देख लेते हैं उदाहरण कौशल का। सेम नाम लिखना है, रोल नंबर 7th का है, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा ज्योग्राफी है, बच्चों को ज्ञान है वही लिखना है, ज्ञान छात्र सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के विषय में जानता है, और स्टेटमेंट ऑफ एम है आज हम सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के सह संबंधों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये ब्लैक बोर्ड वर्क हो गया है, विषय भूगोल पार्ट 2 सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा 7th का ये लेसन प्लान है, चित्र बनाए हैं शुक्ल पक्ष जो ये पृथ्वी के सामने, ये पृथ्वी के देखिए ये जो चित्र बना हुआ है ये सूर्य किरणें हैं, पृथ्वी ये पृथ्वी है, पृथ्वी के सामने वाले भाग में दिन होता है जो उस समय पृथ्वी के दूसरे भाग में रात होती है, और ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष है, पूर्णिमा से जब अमावस्या की ओर जाता है तो अंधेरा बढ़ता जाता है, और अमावस्या से जब पूर्णिमा की ओर जाता है तो उजाला होने लगता है, पूर्णिमा होती है। तो ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष हो गया, इसका चित्र बन गया, और सूर्य किरणों की वजह से सामने जो भाग है वो पृथ्वी का दिन और रात के विषय में हो गया। अब उदाहरण कौशल में हमें पॉइंट्स सेम जाने हैं कि सरल उदाहरण देना है, संबंधित उदाहरण देना है, रोचक उदाहरण देना है, उचित माध्यम का प्रयोग करना है, नियम आने से पहले पर्याप्त उदाहरण देना है, पर्याप्त उदाहरण बच्चों से भी लेना है, अनुमान जन्य से अनुमानिक के पास जाने का मार्ग उपयोग करना है। तो इसे दोस्तों उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा उदाहरण कौशल, छात्र अध्यापक उदाहरण कौशल द्वारा पाठ को पढ़ाता है। सर ये सब 7 पॉइंट आप लिख देंगे, फिर यहाँ पे क्या करना है छात्र को, स्कूल में मतलब विद्यालय में जाकर कक्षा में जाकर छात्र अध्यापक को क्या करना है वो इसमें दिया गया है। छात्र अध्यापक उदाहरण कौशल के द्वारा पाठ को पढ़ाता है। आज हम चंद्रमा के कलाओं के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है पूर्णिमा किसे कहते हैं, तीसरा है अमावस्या किसे कहते हैं। अध्यापक कहता है प्रतिदिन चंद्रमा के बदलते जाने वाले प्रकाशित भाग को चंद्रकला कहते हैं। अमावस्या के बाद पूर्णिमा तक चंद्रमा का प्रकाशित भाग बढ़ता है, इस अवधि को शुक्ल पक्ष कहते हैं, और पूर्णिमा के बाद अमावस्या तक चंद्रमा का प्रकाशित भाग घटता जाता है, इस समयावधि को कृष्ण पक्ष कहते हैं। इसी प्रकार का उदाहरण आप पृथ्वी और सूर्य के विषय में दीजिए। पृथ्वी पर दिन रात कैसे होते हैं और हेतु कथन इसमें आ जाएगा कि इस प्रकार आज हमने चंद्रमा की कलाओं के विषय में अध्यापन किया। तो जो पॉइंट्स हैं टीचिंग पॉइंट्स वो चंद्रकला हो गया, शुक्ल पक्ष हो गया और कृष्ण पक्ष। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इंटीग्रेटेड जो है ये माइक्रो लेसन प्लान तैयार करके, अब ये जो चारों मैंने बताया चारों को मिला करके एक मैक्रो लेसन बनता है, उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। ये